उत्तर प्रदेश में बहराइच जनपद के बाद मैनपुरी जनपद में भी जंगली जानवर के हमले का मामला सामने आया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में भेड़िए का आतंक देखने को मिला था। भेड़िए ने करीब एक दर्जन से अधिक बच्चों को अपना शिकार बना लिया था, अपना निवाला बना लिया था। उत्तर प्रदेश के वन विभाग की कई टीमें बहराइच में कैंप किए हुए हैं और आदमखोर भेड़िए को पकड़ने का हर संभव प्रयास किया रही है। करीब आधा दर्जन से अधिक भेड़ियों को वन विभाग की टीम ने पकड़ भी लिया है। लेकिन मैनपुरी जनपद के ग्राम जरामई में 7 सितंबर के दिन उस समय पूरे गांव में खलबली मच गई जब रात्रि में एक युवक पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया। युवक का कहना है कि भेड़िए ने उस पर हमला किया है, लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी प्रशासन को हुई कि भेड़िए ने हमला किया है तो पूरे प्रशासन में खलबली मच गई। तत्काल वन विभाग की कई टीमें जरामई गांव पहुंची, पुलिस की टीमें जरामई गांव पहुंची और यहां पुलिस की टीमों ने कैंप किया। पुलिस की टीम ने इस बात की जांच पड़ताल की है कि आखिरकार हमला करने वाला भेड़िया था या कोई और जानवर था। जिसके ऊपर हमला हुआ है वह यही बता रहा है कि भेड़िए ने उस पर हमला किया है। भेड़िए के हमले की खबर से प्रशासन के आंखों की नींद उड़ गई है। देखना यह है कि अब मैनपुरी प्रशासन और मैनपुरी वन विभाग की टीम इस आदमखोर भेड़िए पर क्या कार्रवाई करती है या इस बात की सत्यता को पता लगा पाती है कि आखिरकार हमला करने वाला भेड़िया था या कोई और जंगली जानवर। मैं विशाल शर्मा, मुख्य संपादक सत्यम समाचार। बहराइच के बाद अब जनपद मैनपुरी में भी जंगली जानवर का हमला होने की खबर ने पूरे जनपद में सनसनी फैला दी है। घर के बाहर सो रहे किशोर पर जंगली जानवर ने हमला बोल दिया। हालांकि यहां कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आदमखोर भेड़िए के जनपद मैनपुरी में भी होने की खबर है। प्रशासन की आंखों की नींद उड़ाने का काम किया है। ग्रामीण इस हमले को लेकर भेड़िया का हमला बता रहे हैं। मौके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यही वह युवक है जिस पर 7 सितंबर की रात्रि में जंगली जानवर द्वारा हमला किया गया। इसके शरीर पर इसके पंजों के निशान बने हुए हैं। किशोर ने बताया कि हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि भेड़िया था। काफी लोगों की मौजूदगी होने की वजह से भेड़िया अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया है। भेड़िए के हमले से अब ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीण दहशत के बीच फरसा और भाला लेकर रात गुजार रहे हैं। बता दें कि पूरा मामला थाना दन्नाहर क्षेत्र के ग्राम जरामई से है। यहां ग्राम जरामई में 7 सितंबर की रात्रि में उस समय भगदड़ मच गई और हाहाकार शुरू हो गई जब खेतों के पास रखवाली कर रहे युवक प्रांशु पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया। जब उसने गंभीरता से जंगली जानवर को देखा तो उसने बताया कि जंगली जानवर कोई और नहीं भेड़िया था। हालांकि यहां काफी लोगों की भीड़ होने की वजह से भेड़िया अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया, सिर्फ हमला ही कर पाया। जैसे ही इस बात की जानकारी प्रशासन को हुई तो तत्काल मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने पूरे मामले में छानबीन और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं घटना में घायल किशोर ने क्या कुछ बताया है, अब जरा यह भी सुनिए। अच्छा, क्या मामला था? जैसे हम परे थे रात के 12 बजे उठे। कहाँ पर सो रहे थे? यहाँ पर पीछे छिड़िया जहाँ बनती हैं। जी जी। तो छिड़िया अचानक एकदम उठी तो हमने समझा कोई आदमी है। तो फिर हम स्टार्टर वाली जो पन्नी है बड़ी समर की वो एकदम खड़पड़ बची, हमने समझा कोई आदमी है, स्टार्टर उठा के ले जा रहा। तो हम डंडा उठा के ले गए तो स्टार्टर जो पन्नी होती है उठाई तो एकदम ऊपर हमला किया। जो हमले से हम बचे, कमी चमीज मेरी सब फट गई, पंजे लग पाएंगे। कहाँ लगे? ये लगे, ये सब पेट पे सब ही हैं।